मैंने सुना सर कुछ घंटों के लिए आते हो और घंटों में ही माल बेच के चले जाते हो। सर जैसा आपने सेटअप बनाया और जैसा काम कर रहे हो तो होटल वाले तो डरेंगे ही सर। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल महाराज। हाँ नमस्ते। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपने टाइम दिया और मैं देख रहा हूँ आपको आए 5-10 मिनट हुए पर आपके कस्टमर जो है जो आपके खाने के चाहने वाले वो आना शुरू हो गए हैं। जी जी। सर नाम बताइए आप अपना। सर गुरप्रीत सिंह। तो गुरप्रीत भाजी कब से लगा रहे हैं यहाँ पे? सर ऑलमोस्ट 23 साल हो गए हैं। 23 साल? हाँ जी। क्या बात है यार, 23 साल पुराना सेटअप है, 23 सालों से नाम बनाया है यहाँ पे भाजी ने। सर मैंने सुना यहाँ पे ना जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो तो बंद करके जा चुके हैं, नए वाले आने से डर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बोला जाता है कि ऐसा सिंह साहब आके अपनी कार में स्वाद बेचते हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता। सर परमात्मा की दया है जी ये तो। तो मैं देख रहा हूँ सर सामने काफी सेटअप लगा हुआ है। जी जी। नीचे भट्टियाँ भी चल रही है, एकदम गर्मा गर्म खाना। हाँ जी हाँ जी। एक एक करके सर दिखाइए होता क्या क्या अपने पास। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये देखिए जी, ये होता है जी सोया चाप। वाह भाई, सिंह साहब ने बता दिया सोया चाप। एक मिनट के लिए तो सर मुझे यही लगता कि चिकन है। आपका फ्लेवर पूरा वही आएगा। ये देखो भाई एकदम ऊपर पूरा रोगन है। वाह बहुत ही बेहतरीन। ये सर, और ये सर पित्तल की कढ़ाई है सर। हाँ जी सर। वाह, पित्तल की देग रखी हुई है जी कार के अंदर। ऐसा सेटअप भी नहीं देखा। आइटम है ये, मोस्ट सेलिंग आइटम है काजू मटर पनीर। काजू मटर पनीर सिर्फ 2 दिन? क्या बात है, तो पूरा हफ्ता तो वेट रहती होगी इसकी। रोज चेंज करके बनाते हैं सर। अच्छा, ये कढ़ी पकौड़ा। ये आ गया भाई कढ़ी पकौड़ा और एकदम लुकना शाही पनीर के जैसी है, बिल्कुल ग्रेवी शाही पनीर वाली है। सर एक बार ये पनीर दोबारा दिखाइए, इसमें मखाने भी लग रहे थे मेरे को। काजू, वाह मखाने सब डाला हुआ है यार, मतलब एकदम डिफरेंट सब्जी है। हाँ जी। इजीली दिखती नहीं सर ये रोड साइड है ना सर। हमारी रोज चीज है कि अच्छा माल खिलाएं। और ये सर सामने डोलू में क्या है? सर इसमें राजमा है जी, डोलू भर के राजमा रखे हुए हैं। और ये राजमा चेक करो, चित्रे राजमा एकदम गाढ़े बढ़िया। मैंने सुना सर कुछ घंटों के लिए आते हो और घंटों में ही माल बेच के चले जाते हो। सर देखो लंच का टाइम ही यही होता है 12:30-1 बजे के अराउंड, 3 बजे तक होता है। 5 बजे तक कोई लंच करेगा नहीं जी, या 10 बजे तक कोई लंच करेगा नहीं। बिल्कुल सर, तो टाइमिंग सर यही रहती है। तो कितने बजे आते हो और कितने बजे चले जाते हो? सर 12:30 बजे आते हैं और 3:30 बजे, बाकी परमात्मा की कृपा जब तक हो जाए। क्या बात है, तो मतलब 12:30 बजे दुकान खुलती है और 2:30 बजे तक ख़त्म। सर ये भी दिखाइए एक बार पतीले। ये देखो भाई पुलाव सा है ये, इसके बीच में न्यूट्री वाले न्यूट्री भी नज़र आ रही है। वह बहुत ही बढ़िया। सर ये शुरू कैसे हुआ था, 23 साल पहले किसने शुरू किया ये? मेरे बड़े भाई साहब ने शुरू किया था। अच्छा, मैंने दोनों ने मिलकर किया था। तो ये ना प्लेट्स लग रही है कुछ, आपको साथ साथ दिखाता हूँ और साथ साथ सिंह साहब के साथ बात भी करते हैं, क्योंकि भाई सिर्फ 2 घंटे के लिए दुकान खुलती है, तो 2 घंटे के लिए ना सिर्फ कस्टमर ही कस्टमर आते हैं यहाँ पे। ये देखो ये लग रही है जी राइस और पनीर की प्लेट, बहुत ही बढ़िया। सर ये नहीं है कि मैं आप आया वीडियो बना रहे हो तो मैं इतना पनीर डाल रहा हूँ, आप कभी भी आएंगे तभी पनीर इतना डलेगा। क्या बात है, प्याज में डालना चटनी है। तो मतलब लाइव जब भी आप आओगे ना क्वालिटी और क्वांटिटी ऐसी मिलेगी। सर वो तो होगा ही ना कि 2 घंटे के लिए आप आ रहे हो और लोग आ रहे हैं, तो इसी वजह से आ रहे हैं कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों दे रहे हो। सर अपनी तरफ से कोशिश पूरी है, बाकी कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। सारा आपको एक बार दिखाता हूँ सेटअप, ये गाड़ी की डिक्की में सारा सेटअप लगाया हुआ है। थालियाँ लग रही हैं आपको दिखाता हूँ। सिंह साहब कितने तरह की थाली अपने पास? सर 2 तरीके की थाली होती है, एक तवा रोटी होती है, एक में देसी परांठे होते हैं। देसी घी के परांठे तवे वाले वो भी? हाँ जी वो भी चल रहा है यार। ये जो थाली लग रही है कितने वाली लग रही है सिंह साहब? ये सर एक लग रही है 140 वाली, एक लग रही है 130 वाली। ओके, तो 130-140 वाली थाली है। इसमें आ गई भाई बढ़िया रोगन वाली चाप, ये मसाला चाप रहती है सिंह साहब? हाँ जी मसाला वाली चाप है। और दुकान चाहे यार 2 घंटे के लिए खुलती है, पर ये नहीं क्योंकि जल्दबाजी में खिलाया जाता है, खिलाया बिल्कुल इत्मीनान से जाता है। प्रॉपर प्लेट्स लगाई जाती है और लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहते खड़े। ये आ गया जी बढ़िया पनीर, काजू मटर, काजू मटर पनीर। और पनीर का साइज चेक करो आप क्यूब का, क्या बड़ा पनीर है। तो दोनों तो लुक सेम आई है, तो 10 रुपए का फर्क कहाँ था? सिर्फ परौंठे का। सिर्फ परौंठे का जी, एक में चपाती आएगी भाई, दूसरे में परौंठे। दोनों थालियाँ आप देखो एक बार, ये आगे बढ़िया से राजमा साथ में हुआ। और एक फायदा मेरे को यार दिख रहा सामने, यही थाली चाहे आप खड़के खा लो, इसके ऊपर ढक्कन लगाओ घर ले जाओ, पैक भी यही हो जाएगी ना। हाँ जी, 2-in-1 काम हो गया। अब ये हो रही है जी पैकिंग। सर जैसा आपने सेटअप बनाया और जैसा काम कर रहे हो तो होटल वाले तो डरेंगे ही सर। नहीं सर, ऐसे बड़े बड़े होटल वाले देखो पैकिंग करके देते थाली, आपने रोड पे दिया और एकदम बढ़िया 5-स्टार टाइप थाली, ये देखो पैक हो गई है। इसके साथ परांठे कैसे जाते हैं? ये परांठे इसमें पैक कर दिया है। देसी घी के परांठे आ गए, साथ में ही पापड़ हो गए। वाह, पापड़ सलाद देसी घी के परांठे प्रॉपर पैक करके थाली आपके पास।
यार दो घंटे के लिए दुकान खोलती है ना, कस्टमर्स काफी आ रहे हैं, सिंह साहब बिजी हो गए थे, तो पाजी हमें दिखा रहे हैं परांठे सर अपने। ये देखो जी देसी घी वाले परांठे, इसमें मसाला भी डालो भैया कोई? नमक मिर्च वाले के नहीं, नमक मिर्च, नमक मिर्च डालो भैया, जैसे घर में खाते नमक मिर्च वाले परांठे वैसे सेम। वाह, एक बार चपातियां भी दिखाइए। चपातियां खत्म हो गई मेरे, चपाती खत्म भाई मेरे, देखते देखते ना वीडियो करते करते चपातियां खत्म हो चुकी है यहाँ पे, अब सिर्फ परांठे वाली थाली रह गई है। लगातार ना थालियां लग रही है अपनी बारी, बहुत मुश्किल से आई है। अब ये प्याज आ गए, चटनी आ गई, साथ में आ गए जी बढ़िया राइस न्यूट्री वाले। अच्छा गुरप्रीत भैया रिफिल लेना हो किसी को? कर देते हैं जी, कर देते सिंगल पर्सन में कोई इशू नहीं है, हम कर देते हैं। भाई अगर अकेले खा रहे हो ना, शेयर नहीं कर रहे तो रिफिल करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, खोले दिल से खिलाया जाता है। ये आ गए भाई पनीर काजू वाला, और साथ में आ रहे हैं बढ़िया डोलू वाले राजमा, और ये आई जी ऊपर फ्रेश क्रीम। तो जो सारी भीड़ है सिरे की भी इसी कार्ट पे लगी हुई है, सरदार जी के पास लगी हुई है। ये देखो सिंह साहब तैयार है थाली? हाँ जी तैयार है। ये देखो जी दो पराठे, पापड़, तीन सब्जियां, राइस। वाह, और कितने की सिंह साहब ये थाली? 140 रुपए परांठे वाली है, 130 रुपए रोटी वाली है। तो भाई माहौल ऐसा है, दिल्ली में ना एक मैंने महेश्वरी जी के छोले भटूरे किए थे, वो भी आते हैं दो घंटे के लिए, उनके पास ऐसा घेरा डला हुआ कि जैसे खाना फ्री बट रहा है। और एक देखा भाई यहाँ पे सरदारी जीप वालों के पास, 15-20 मिनट तो ऐसा हजूम आया लोगों का, ऐसी भीड़ आई, मुझे लगा भाई पता नहीं क्या ही हो गया। बड़ी मुश्किल से अपने को थाली मिली, आ जाओ थालियाँ खत्म, पास से दिखाओ। ये है जी मसाला चाप, साथ में है जी राजमा, वाह, और ये है जी साथ में पनीर, बढ़िया पनीर है, मटर है, मखाने हैं, और साथ में काजू है। और थाली की प्राइस है ये सिर्फ 140 रुपये। अब मैं अपने शहर लुधियाना से कंपेयर करूँ, उस हिसाब से रेट कम है, क्योंकि दिल्ली महंगा है हमारे शहर से, पर उस हिसाब से रेट बहुत कम है। देसी घी के पराठे भाजी देखो एकदम घर जैसी लुक है। और जो भाई भाई माहौल मैं देख के रहा हूँ कि भाई खाने के पीछे इतनी दीवान की लंच करने के लिए। अब पास से दिखाओ भाजी, ये देखो डेयरी वाला पनीर है, साथ में लेते हैं जी मटर, बढ़िया से बाइट बना के ना। परफेक्ट होम स्टाइल पनीर है, ग्रेवी है ना वो देखने में शाही पनीर जैसी लग रही है, पर है बिल्कुल मटर पनीर वाला फ्लेवर, स्वाद समान है। अब आगे चलो चाप का रिव्यू करते हैं। ये भाई देखने में ना मटन जैसी लग रही थी, पारी आ रही ना वैसी लुक इसकी, रोगन वैसा है, एकदम बढ़िया चाप डली है बीच में, और इसका भी स्वाद देखते कैसी है। भाई जो शाही पनीर था ना वो बिल्कुल होम स्टाइल है, ये है बिल्कुल टिपिकल रोड साइड, इतना तेज मसाला है इसमें, मसाला चाप है तो नाम ही क्लियर है भाई, पूरी मसालेदार है। अगर वो फ्लेवर मिस कर रहे हो ना रोड साइड तीखा चटपटा वाला, दोपहर को खाना चाहते हो कि पूरा दिन एनर्जी दे, ये मस्त है भाई, इसके साथ राइस लगवा लेना मज़ा आ जाएगा। अब आगे आ जाओ राजमा, ये जी राजमा चावल, राजमा चावल मैंने बोल दिया पर ये राजमा रोटी है। ठीक है समरिया, वाह भाई ये दोनों चीजों ने ना दिल जीत लिया, मजेदार सामान है, दिल्ली में घूम रहे हो दोपहर का बढ़िया लंच करना है, अगर तो करना होम स्टाइल तो राइस के साथ ये दो सब्जियां ले लेना, अगर करना बाजार वाला मजेदार तीखा चटपटा वाला तो ये मिस मत करना, सब्जियां चेंज होती रहती है रेगुलरली। रोहिणी सेक्टर 8 सरदार जी जीप वाले, गूगल मैप पे लगाना भाई लोकेशन, सीधा पहुंच जाना, निराश नहीं होगे, आते पर दो घंटे के लिए 12:30 से 2:30 बीच बीच में आके खा जाना।